मेरे लिए वफा से बढ़कर कुछ नहीं, चाहे वो मेरे करीब हो या मुझसे दूर। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना, तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा। हम दोनों 23 जुलाई से मंगल शब 8 बजे बाजी निहारी में ना तेल ऊपर आ गया है, कॉर्नफ्लोर डाल दूं क्या? नहीं भाई, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। फिर तो आपको ऑफिस से देर नहीं हो जाएगी? मुझे देर हो जाएगी और तुम्हारी जल्दी के चक्कर में निहारी बर्बाद हो जाएगी। हे वाह, आंटी उठी है कि नहीं उठी अभी तक? सुनो आंच हल्की रखो, जल जाएगी। हिबा हिबा आ जाओ, तुम्हारा नाश्ता रेडी है। भाभी भाभी मुझे ब्रेकफास्ट दे दे, मैं लेट हो रही हूँ, मेरी वैन आने वाली है। हाँ हाँ ये लो भाई, ऑमलेट ट्राई करो, मैंने नई रेसिपी ट्राई की है। अच्छा ये मैं लेके जा रही हूँ, आप प्लीज अम्मी को हैंडल कर लीजिएगा, मेरी फाइनल प्रेजेंटेशन है, मुझे लेट हो जाएगा आने में। हाँ बहुत अच्छी बात है, तुम लोग मुझे हमेशा जो है ना फायरिंग रेंज में अकेला खड़ा कर देते हो, वेरी गुड। क्योंकि हमें आपके टैलेंट पे पूरा भरोसा है ना भाभी। अब मैं जा रही हूँ, अल्लाह। लव यू, बाय। बानो 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 जाओ ऊपर से आंटी को बुला के लाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी करो। अरे आप तैयार भी हो गए, अभी तो नाश्ता भी करना है। आज मेरा एम्प्लॉई वेलफेयर फैमिली गाला की प्रेजेंटेशन है, बजट और मुझे दूसरी चीजों को भी फाइनल करना है, ऑफिस से वापसी पे मुझे देर हो जाएगी। वलीद प्लीज यार मेरा जल्दी तैयार हो जाओ, मैं लेट होता हूँ ना तो मुझे जरा अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी तो सैलरी डिडक्ट नहीं होती लेकिन मुझ गरीब की जेब कट जाती है। कहाँ डिडक्ट होती है आपकी सैलरी, मैंने नया ऑर्डर कर दिया है, एंड दिस टाइम आई ऑर्डर्ड अ वेरी नाइस फ्रेग्रेंस फॉर यू। क्या जरूरत थी ऑर्डर करने की, तुम्हें पता है एक है मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ नया। अच्छा जल्दी करो ना, लेट हो रहे। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ जल्दी तैयार होने की, लेकिन आपको पता है कि अम्मी ने रात में निहारी की फरमाइश कर दी थी, सुबह 5 बजे से निहारी बना रही हूँ, सब कुछ बानों पे तो नहीं छोड़ सकती ना। अरे क्या जरूरत है अम्मी की इतनी ख्वाहिशात पूरी करने की, अम्मी को तो नई नई चीजें सोचती है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाली बहू मिल गई है तो अम्मी ने सोचा कि उसकी कुकिंग स्किल्स का भी टेस्ट लिया जाए। दैट्स नॉट फेयर। आप प्लीज अम्मी से कुछ मत कहिएगा, वो मुझसे प्यार करती हैं तभी तो अपनी फरमाइश करती हैं, और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है अपने घर वालों के लिए कुकिंग करना। ओके जान, और एक और बात, इतना तैयार मत हुआ करो, इतनी अच्छी लगती हो कि मेरी नजर ही ना लग जाए। चले देर हो रही है। चल बानो बानो जी, ये अंडा कैसे बनाया है, बड़े मजे का बना हुआ है तुम्हारे हाथ का तो नहीं लग रहा मुझे। मुझे बाजी कुछ बनाने ही कहाँ देती हैं, बाजी ने ना इसमें चीज का चूरा और ना हाँ टमाटर भी डाले थे। हाँ भाई जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, पैसा भी लगता है, चीज खासी महंगी है आजकल। अच्छा आपने नाश्ता कर लिया तो मैं आपको चाय ला दूँ? नहीं मेरे लिए कॉफी ले आओ, नाश्ता मैं इनके साथ ही करूँगी। चलें ठीक। चीज डाली है। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जरा जल्दी आ जाया करो ना, तुम लोगों को पता है मुझे भूख बर्दाश्त नहीं, कब से इंतजार कर रही हूँ नाश्ते पे, पूरा दिन में सिर्फ 2 वक्त तुम्हारी सूरत देखने को मिलती है। अपनी माँ के साथ बैठ जाया करो आकर थोड़ी देर बेटा। वो अम्मी सारा को सुबह किचन में टाइम लग गया था बेचारी, आपने निहारी का कह दिया था ना इसलिए। हाँ हाँ बेटा सारा कसूर मेरा, ये गलती हो गई मुझसे सारा,
तुम प्लीज किचन में मत जाया करो, मेरे बेटे को बहुत बुरा लगता है। जाहिर है भाई, ज्यादा कमाने वाली बीवी के आगे माँ तो बुरी लगेगी ना। क्या हो गया अम्मी, सुबह सुबह मूड क्यों खराब कर रही हैं? अम्मी आप क्यों परेशान होती हैं? आप नाश्ता करें ना, अब हम जल्दी आया करेंगे ब्रेकफास्ट पे। हाँ चखा था थोड़ा सा, बहुत भारी है, अजीब सी तबीयत हो जाती है। भाई सच कहूँ ना सारा, तुम मुझ पर अपने नित नए तजुर्बे ना किया करो, मुझे तो बस वो रेगुलर नाश्ता अच्छा लगता है। वैसे भी अगर मेरी तबीयत खराब हो गई, तुम लोग तो घर पे होगी नहीं, अस्पताल लेकर कौन जाएगा फिर मुझे? कैसी बातें करी अम्मी, अल्लाह ना करे। और सारा प्लीज ये ऑरेंज वाला जूस पी पी कर ना भाई, मेरा तो दिल ही खराब हो गया। अब ना मैंगो फ्लेवर का लेके आना ठीक है। और भाई आम और आड़ू खा खा कर ना मैं थक गई, इतना अच्छा अच्छा मार्केट में फल आया हुआ, लेकर आओ ना। वो लीचियां हैं और चेरीज भी हैं, बस थोड़ी महंगी हैं। अम्मी मैं कह रही थी आप जरा फ्रूट पे, थोड़ा शुगर बढ़ जाएगी फिर। नहीं मेरी शुगर बिल्कुल ठीक है, तुम बस ले आना। पैसे खर्च करना मतलब बुरा लगता है ना तुम्हें मुझ पे? अरे ऐसी बातें करी है, ऐसी बात नहीं है अम्मी, मुझे तो बस आपकी सेहत की फिक्र है। वैसे वापसी कब तक होगी तुम्हारी? ये ना हो कि मुझे वो निहारी जिसका ताना मिला है अकेले खानी पड़ जाए। नहीं नहीं अम्मी, हम इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। अरे भाई बानो पराठे कहाँ रह गए? पराठे के बगैर कैसे खाऊंगी मैं ऑमलेट? वलीद आप प्लीज आंटी को टीज मत किया करें, आपको पता है वो कितनी सेंसिटिव है। हाँ तो अपनी बीवी को उनके ताने सुनने दूं क्या? ज्यादती करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, बैग मुझे दे दें। थैंक यू अदनान। अस्सलाम वालेकुम मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आपकी जो है वो 4 बजे जो मीटिंग है जूम के साथ। गुड मॉर्निंग मैम। और फिर उसके बाद 7 PM पे इनवाइट्स के साथ वेलफेयर फैमिली गाला की कॉन्फ्रेंस है। ओके। और मैंने जो है इसकी सारी प्रेजेंटेशन के ऊपर लिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है प्लीज गेट मी कॉफी। श्योर। थैंक यू अदनान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके प्रेजेंटेशन की जरा मुझे फाइल्स भिजवाइएगा। जी थैंक यू। वलीद मैंने तुझे बजट फाइल भेजा है, उसे रिव्यू करके फौरन मुझे भेजो, आज बजट की अप्रूवल लेना है। वलीद यार सुन रहा है ना, अर्जेंट कर दे वरना क्लास हो जाएगी सबके। सुन रहा हूँ, सर में दर्द हो रहा है यार, कर दूंगा काम। ना भी करे तो कौन पूछता है, वैसे भी जे में 4 के शोर जो है, और किसमें है हिम्मत जो आपसे काम करा सके। यार इमरान एक कप चाय तो पिला दो। वलीद भाई एडमिन ने सख्ती से मना किया है कि हॉल में किसी को चाय नहीं मिलेगी, और जिसको पीना खुद बनाए और बाहर जाके पिए। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जो आपकी बेटी कर कर गई है वो बर्दाश्त हो रहा है आपको? दुनिया की कौन सी माँ जो खुश होगी ऐसे अपनी बेटी के घर से जाने से। देख लीजिए आईना, मैं आप क्या कर रही हैं? थोड़ा सा तो वॉल्यूम कम करें, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। अरे 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 क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को, सुकून से ड्रामा भी नहीं देखने देते हो। मैं आप भी तो पूरे मोहल्ले को सुना रही है ना। एनीवे जब आपको भूख लगे मुझे बता दीजिएगा, भाभी सालन बना के चली गई और रोटियां मैं बनवा दूंगी। हाँ जी आंधी टले तूफान टले, लेकिन तुम्हारी भाभी का इतवार वाले दिन मैके जाना नहीं टलता। और मेरा बेटा तो है ही बेवकूफ, हर वक्त उसके पीछे पीछे लगा रहता है, दुम छल्ला बना रहता है उसका। क्यों मैं अब क्यों उनके पीछे पड़ जाती है, इतनी अच्छी तो है वो। इवन मेरी फ्रेंड्स तो इतना अमेज होती है कि इतनी बड़ी पोजीशन पर होने के बाद भी वो हमारे साथ कितनी हम्बल है। बस कर दो भाभी की चहेती, सारी दुनिया में बस एक तुम अकलमंद हो, एक तुम्हारी भाभी अकलमंद है।
मेरे बेटे को तो पैसे के जोर पर दबा कर रखा हुआ है इस लड़की ने। अम्मी वैसे अब आप ज्यादती कर रही हैं। Look at her man, she's just amazing. बस हो गया, काफी है। मैं देख लूँ मेरा ड्रामा खत्म हो जाएगा। देख लें। थैंक यू। जब तक कोई लड़की को लेकर आ नहीं जाते ना, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। देख लेना। और एक बात तक कान खोल कर सुन ले। थैंक यू वली। शादी के बाद अब तक ऐसा एक वीकेंड नहीं गुजरा है जब आप मेरे लिए गजरे ना लाए। तुम्हारे लिए फूलों से ज्यादा कुछ करने की हैसियत भी नहीं है ना मेरी। पता है कभी कभार मैं खुद को तुम्हारा मुजरिम महसूस करता हूँ, जब तुम शॉपिंग कर रही होती हो मेरे लिए, जबकि सब काम मुझे करने चाहिए। पता नहीं आप कौन से जमाने की बातें करते हैं। ये आपका और मेरा क्या है, जो कुछ है बस वो हमारा ही। और वैसे भी मेरे लिए आपके प्यार और आपकी अटेंशन से बढ़कर और कुछ नहीं। और फिर आंटी से भी तो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। अब इतनी मुखालफत करके शादी की है तो प्रोटेक्ट करना तो बनता है। आपको पता है मम्मी आपकी बहुत तारीफ करी थी, काफी पसंद करने लगी हैं आपको। पहले उन्हें काफी कच्चा थे। तुम्हें पता जिंदगी गुजारने का तरीका भी यही है कि बीवी से ज्यादा सास को खुश रखा जाए, क्योंकि सास खुश तो जिंदगी पुरसकून। मेरे लिए तो सुकून सिर्फ हम दोनों का एक दूसरे पे ट्रस्ट है, ब्लाइंड ट्रस्ट। एक ऐसा यकीन जिंदगी की हर ऊंच नीच में एक दूसरे का साथ निभाने का यकीन। Guess what? What? नेक्स्ट वीक तुम्हारी बर्थडे है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम समंदर किनारे डिनर करते हैं। कच्चा सा मेरे पास एक और आइडिया है। कल मेरा बोनस मिलने वाला है, तो मैं सोच रही थी कि यू नो हम यू नो मुल्क से बाहर चले। हाँ स्पेन। नहीं, it's expensive है। I don't think so, it's a good idea. तो क्या हुआ? I'll take care of it ना। You just say yes. नहीं। Please, I'll get on my knees हाँ। Say yes. Okay, yes. Amazing. I'll make arrangements. अच्छे हैं ना? बहुत प्यारे। ढूंढ के लाए हैं। कमरान रियली आप मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा स्टाफ जरूरत से ज्यादा कॉफी पीता है और आप बजट कंट्रोल करके इसको कंट्रोल करेंगे, खास तौर पे जब आपके फाइनेंस के लड़कों को ये आदत हो गई हो ना। जी वलीद, मुझे जरा लोन सेटलमेंट की फाइल देना प्लीज। जी जी आई एम हियर। हाँ जी, लुकिंग एट इट राइट नाउ। ओके सारा, क्या हुआ? वो इंपॉर्टेंट बात रास्ते में कर लेंगे, मैं कर जाता हूं। आई एम बिजी राइट नाउ। हां जी 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 आई एम हियर। जस्ट 2 मिनट्स कमरान, एक सेकंड होल्ड करना प्लीज। ये तुम्हारे लिए, आई एम श्योर मस्ट बी अ टायरिंग डे। शायद तुम्हें लंच करने का टाइम ही ना मिले तो एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाएगा। थैंक यू, अपने काम कर लूं। वेलकम। यस कामरान आई एम हियर। हां जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। आज देर हो गई। वालेकुम अस्सलाम। आज क्या, हमेशा ही लेट होते, और अगर खुदा ना खास्ता मैं कोई काम बता दूं तो उस दिन तो लेट होना ही होता है। क्या जरूरत थी इस वक्त भी घर आने की? मेरे मेहमान चले जाते फिर आ जाते। अम्मी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी सारा की, इसलिए देर हो गई। हाँ बेटे, तुम तो सुनोगे ना बीवी की, जोरू के गुलाम जो हुए। आंटी मैंने कहा था वलीद से कि वो घर आ जाए, लेकिन ये खुद ही रुक गए।
मेरा बेटा अब ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें 10 मर्दों के बीच में अकेला छोड़ के आ जाता। वापसी में ख्वार होती रहती टैक्सी और रिक्शे के लिए। अम्मी क्यों बात को बढ़ा रही हैं आप? सारे की जॉब का तो पता है आपको, देर सवेर हो जाती है। मैं बढ़ा रही? तुम्हें भी अच्छी तरह से पता था कि मुझे नौकरी वाली बहू नहीं चाहिए थी। बड़े दावे किए थे ना तुम दोनों ने कि घर संभाल लेंगे। उस वक्त तो तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आ रही थी, मगर अब देख लो ये हो रहा है। थैंक गॉड आप लोग आ गए। प्लीज अम्मी को समझाना कि मुझे फील्ड ट्रिप पर जाने दें, मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं। हिबा बस करो, इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है, मैं अपसेट हूँ अभी बहुत। आंटी देखिए आप मेरा गुस्सा हिबा पे मत निकालिए, जाने दीजिए उसे। यूनिवर्सिटी लेवल पे ना ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं, जीपीए पे फर्क पड़ता है। बीबी हमने भी पढ़ा है कॉलेज में, हमारे दौर में ये आवारा गर्दियां नहीं हुआ करती थी कि लड़का लड़की साथ घूम रहे। आंटी लेकिन आपके टाइम में इतनी प्रोफेशनल डिग्री भी तो। हाँ हाँ हम तो जाहिल हैं, एक तुम ही तो हो पढ़ी लिखी डिग्री याफ्ता, सारे जमाने में अकल बांट रही हो, है ना? शौहर को अलग जेब में डाला हुआ है, देखा वलीद ये इज्जत है मेरी इस घर में। आंटी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप बात का बतंगड़ बना रही हैं, हिबा को जाने दीजिए। एक काम करो वलीद, मुझे तो तुम प्लीज हैदराबाद की टिकट कटवा दो, मेरा भाई है वहाँ पर, कुछ तो इज्जत होगी मेरी। अम्मी अब बीच में इज्जत कहाँ से आ गई? अरे नहीं नहीं आंटी प्लीज, अच्छा आई एम वेरी सॉरी। हद करती हैं अम्मी आप, सारा ने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि आप इसे सॉरी करवाएं। सारा अम्मी अच्छा नहीं किया आपने। हद करती हैं आप। अच्छा अम्मी की तरफ से मैं सॉरी करता हूँ, पता तो है तुम्हें पुराने ख्यालात की मालिक है अम्मी। वैसे हिबा को परमिशन मिल जाएगी। मुझे समझ ही नहीं आता वलीद, मैं ऐसा क्या करूं कि अम्मी मुझसे खुश हो जाए? उन्हें मेरी हर बात पर एतराज है। मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती, आप जानते हैं हमारी जरूरत। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें नौकरी छोड़ने की, और मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो अपनी बीवी को घर बिठा के रखे। ये नौकरी तुम्हें तुम्हारी काबिलियत पे मिली है, अम्मी कोई बात समझनी चाहिए। तो मैं समझा दूंगा, लेकिन तुम मुझसे तो खफा ना हो प्लीज। मैं आपसे खफा नहीं हूँ, आप और हिबाई तो इस घर में मेरी ऑक्सीजन है। अब प्लीज अपने इस ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए एक काम तो कर दो। मेरी पिंक शर्ट रखी है, प्लीज प्रेस कर दो। कल दोस्त का वली मैं गांव जाने मैंने। गांव? तो मतलब आप कल ऑफिस नहीं जा रहे? वलीद कल आपके डिपार्टमेंट की ओपन डिस्कशन है, आप क्यों कामरान को मौका देते हैं? वो सिर्फ ऐसे मौका ढूंढता है। आई नो ही जस्ट हेट्स मी। ऐसा नहीं है, अच्छा आदमी है वो, मेरा फेलो यूनिवर्सिटी में भी रहा है। आप प्लीज ये समझें कि आपकी छुट्टियों की वजह से आपकी परफॉर्मेंस। अच्छा हम ऑफिस के मामला घर में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? या यू नो व्हाट, यू आर राइट, हम क्यों ऑफिस की बातें घर में डिस्कस कर रहे हैं? मेरे गरीब दोस्त ने कहा था कि अगर मैडम जीएम एचआर भी आ जाए तो उसे अच्छा लगेगा। तो मैं चलूंगी ना, बट नॉट एज जी एम एच आर, एज योर वाइफ। कहाँ चली? आपकी शर्ट प्रेस करने और अपनी साड़ी। आई लव यू। तुम्हें पता है तुम्हारी यही आदतें हैं जो मुझे तुम्हारा गुलाम बनाए रखती है। अम्मी ठीक कहती है, हूं मैं जोरों का गुलाम ही, अच्छा लगता है मुझे। भाई किसी की प्रमोशन हो या ना हो, इसकी प्रमोशन तो पक्का है। सीनियर मैनेजर, अब जरा तुम लोग तमीज से बात करना मुझसे। वलीद हसन,
बस अभी थोड़ी देर में अप्रेजल और प्रमोशन की अनाउंसमेंट होने वाली है। हाँ, वलीद के बारे में मैंने डिसीजन ले लिया है। तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कामरान। कीती आरा का डिसीजन तुम्हारा था, मैं सिर्फ उसे अप्रेजल दे रहा था। कीती आरा ही डिजर्व करती है ये प्रमोशन। वलीद की परफॉर्मेंस तो उसके करीब भी नहीं थी। ओके, आई विल स्पीक टू यू लेटर। क्या परफॉर्मेंस देता? अरे सारा दिन तो तुम इसे नौकरों की तरह अपने आगे पीछे चलाती हो। घर में तुम्हारा दिल नहीं लगता? अगर मैं ना हूं ना तो इस घर में किसी के मुंह में एक निवाला भी ना जाए। पूरा दिन एक पांव पर खड़े होकर सारा घर संभालती हूं मैं। मम्मी अब ये तो आप गलत कह रही है ना, भाभी खाना पका कर जाती है। तुम तो चुप करो भाभी की चमची। हिबा, समझाया था ना तुम्हें कि मत करो लव मैरिज? नहीं समझ ही नहीं आ रही थी, शादी करूंगा बड़े ओहदे पे काम करने वाली लड़की से। इस तरह की लड़कियां ना इज्जत नहीं करती मर्दों की। अम्मी, आपको नहीं लगता आप ज्यादती कर रही? कामरान इनके बॉस हैं, उन्होंने इनको प्रमोशन नहीं दी, और फिर अप्रेजल तो मिला है ना इन्हें। उस लड़की का तो प्रमोशन तुमने फाइनल किया है ना। मेरा बेटा तो बेवकूफ है, ये समझ रहा था कि इसकी बीवी इसके साथ ज्यादती नहीं कर सकती। अरे तुम तो चाहती नहीं हो कि इसे प्रमोशन मिले, क्योंकि फिर ये जीएम बन जाएगा कुछ सालों में, तुम्हारे बराबर आ जाएगा और ये तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी तो अपनी इनसिक्योरिटीज हैं। आपकी आपकी कितनी गलत सोच है अम्मी। आप क्या सोच रही हैं? अच्छा, सुबह दफ्तर जाना, शाम ढले वापस आना, उसके बाद तैयार होकर घूमने चले जाना। इस घर को तो रेस्ट हाउस समझा हुआ है और इसे तो तुमने दुमछल्ला बनाया हुआ है। अम्मी खामोश रहो बिल्कुल। अम्मी अब आप बहुत ज्यादती कर रही हैं। अच्छा, और जो ज्यादती तुम्हारी भाभी ने की है तुम्हारे भाई के साथ वो? देखिए अम्मी, कामरान को वलीद से बहुत सारी शिकायतें थी। ऑफिस में लोगों से उलझना, छुट्टियां करना, डेडलाइंस मीट नहीं करना, मैं कहां तक संभालूं? और वलीद, मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी परफॉर्मेंस का ख्याल रखें, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। और अब देखिए, अब सारा मैंने कुछ कहा है क्या? तुम क्या कहोगे, तुम तो हो ही जोरू के गुलाम। देख लेना, एक दिन ये लड़की तुम्हारी नौकरी छुड़वाएगी, फिर तुम ना जूतियां चटखाते फिरोगे सारे शहर में नौकरी के लिए। मम्मी आप कैसे कर लेती हैं ऐसी बातें? आप तो बस दुआएं देने पे उतर आई हैं। अनबिलीवेबल यार। अरा ये देखा रवैया इसका, देख रही हो? नहीं वैसे हद करती हैं आप। तुम अपने काम से काम रखो बीबी, छोटी हो छोटी रहो। मैंने तो कभी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, हमेशा आपकी फेवर की है। ऑफिस से मुझे ड्राइवर के साथ गाड़ी मिली थी, लेकिन मैंने ड्राइवर को मना कर दिया क्योंकि क्योंकि आपको बड़ी गाड़ी चलाना पसंद है। तुमने अच्छा किया, मुझे भी नहीं पसंद कि ड्राइवर के सामने अपनी बीवी के साथ बेतकल्लुफी से बात करूं। ये लोग सारी पर्सनल बातें ऑफिस में जाके बताते हैं, जानती नहीं ऐसे छोटे लोगों को।
लेकिन आंटी को मेरे साथ इस तरह हार्श नहीं होना चाहिए था। मुझे बहुत दुख हुआ है वलीद। ये कह रही हो? अम्मी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इतना रूठ। लेकिन तुम्हें पता है ना, हमने पुराने ख्याल किए हैं। तुम प्लीज अम्मी कोई बात अपने दिल में मत रखो, क्योंकि हमें दिल की बुरी नहीं है। तुम बस अपने टाइमिंग से ख्याल रखो। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये सब मजीद नहीं चल सकता। मुझे मैं इस तरह से सबको अपने आप से बदगुमान होता बर्दाश्त नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न सर, पर मेरे लिए अब बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। सारा, तुम इस कंपनी का एसेट हो, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। आई नो सर, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सर। आई हैव टू सेव माई मैरिज। मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने ये फैसला ले लिया है, अब खुश हो जाओ। बट कीप इन टच माई गर्ल। That's all right. Thank you, sir. Thank you so much. You don't have to do this. I've made up my mind. See you at home. आपका ऑमलेट, आपका जूस। सॉरी वलीद, आ जाओ भाई, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। अम्मी हिबा कहाँ है? वहीं कहीं होगी। अच्छा, आप शुरू करें ना, मैं चाय लेके आती हूँ। क्यों? आंटी, आंटी मैं मशीन में कपड़े डालने जा रही हूँ, अगर आपके भी गंदे हैं तो मुझे दे दें। हाँ हाँ, आकर ले जाओ। अच्छा, मैं ले लेती हूँ। इतना ज्यादा बिजली का बिल आ गया, मैं कैसे भरूं? मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि कहाँ से? तो सारा दिन इस घर में 3 AC चलते हैं, इतना बिल तो आना ही था। पहले तो तुम इतना रोना नहीं डालते थे, अब अचानक क्या हुआ है? अम्मी, पहले सारा सारे बिल भर दिया करती थी ऑनलाइन, अब मुझे भरने पड़ेंगे। अरे तो सारा से पूछो ना, उसे नौकरी छोड़ने के बाद कुछ पैसे वगैरह मिले होंगे। खुदा का खौफ करें अम्मी, आपको पता भी आपने किया क्या है? किस बात पे उलझ रहे हैं आप दोनों? अम्मी चाय। अरे भाई, कोई बिजली का बिल आ गया है इतना, और मुझे इतनी बातें सुना रहे जैसे मैं अकेली इस घर में रहती हूँ। बिल तो हर महीने इतना ही आता है अम्मी, बस सर्दियों के चंद महीने होते हैं जिनमें कम आता है। जो भी है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि बिल भर सकूं। आप परेशान क्यों होते हैं वलीद? मेरे पास पिछली सैलरी में से कुछ सेविंग्स है, मैं बिल भर दूंगी। हाँ, लेकिन अगले महीने का कुछ करना पड़ेगा। अच्छा है बेबी, ये एहसान भी हम ही पर। अरे कोई, हम अकेले एसी थोड़ी चलाते, तुम्हारे कमरे का भी 24 घंटे एसी चलता है। अम्मी, मेरा ये मतलब थोड़ी था, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अब बिल तो वलीद ने ही देना है, तो सबको ख्याल करना चाहिए। ठंडी चाय लेकर आई। मैं आपके लिए ताजी चाय बनाती हूँ गरम।
का तो देख लिया करें अम्मी, वो बिल भरने की बात कर रही हैं और आप फिर भी बातें सुनाई जा रही हैं उसे। अम्मी अब आप क्या चाह रही हैं कि वो अपनी माँ की तरफ भी ना जाए? ऐसे तो एक दिन मुझे भी छोड़ के चली जाएगी, फिर हम सबको दिन में तारे नजर आएंगे। वाह बेटा वाह, अपनी अय्याशियों में तंगदस्ती हुई तो सारा का सारा इल्जाम माँ पर धर दिया। तुमने ही कहा था ना कि अफसरी करेगी, दबा कर रखना, और ये भी कहा था कि पैसे वाली है, मारना मगर रोने मत देना। तुम ही ने कहा था ना? मैंने आपसे कहा था कि उसका ऑफिस में बिहेवियर बहुत बॉसी होता है, वो ऑफिस में मुझे दबाएगी, आप घर में उसे दबाना। लेकिन आपने तो हद ही कर दी। लो मैंने क्या किया, मारा पीटा है क्या उसे? अरे मुझे क्या मालूम था कि छोटी सी बात पर वो नौकरी छोड़कर बैठ जाएंगी बेगम साहिबा। भाई तुमने जैसा कहा मैं तो वही कर रही थी। अम्मी थोड़ी जबान तो नरम रख सकती थी ना आप, आपने भी ताने देना शुरू कर दिया, अब भुगते। मेरी तो तनख्वाह इतनी नहीं है कि घर के खर्चे उठा सकूं। मेरा मुंह मत खुलवाओ ज्यादा, खुद तो ऊपर कमरे में जाकर लाड प्यार करके अच्छे बन जाते थे, माँ को बुरा बना दिया। भाई मुझसे और हिबा से तो वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब करना क्या है, मैं उसे कन्विंस करता हूँ कि कोई और प्राइवेट जॉब ढूंढ ले। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि अपनी फटीचर गाड़ी में मैं पेट्रोल डलवा सकूँ। गोश्त खाए हुए एक हफ्ता हो गया। आप उसे काम करना, आप उसे सॉरी कर लेना, बाकी मैं उसको समझा दूंगा। प्यार मोहब्बत से समझ जाती है, मुझसे तो अंधा प्यार करती है, वो मेरी बात पर इनकार नहीं करेगी। सही कह रहे हैं आप। सारा नहीं, आप अपनी माँ के साथ बैठ के प्लानिंग करें, वही सूट करता है आपको। सारा एक्चुअली एक मौका तो दो। यू नो वॉट, यू वर राइट, यू वर एब्सोल्यूटली राइट। हाँ हाँ, मैंने तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा किया। हाँ मैंने तुम्हारे प्यार की खातिर सब कुछ छोड़ दिया, और तुमने मियाँ बीवी का ट्रस्ट ही उनका लिबास बनता है। वो एक दूसरे की खामियों को छुपाते हैं और एक दूसरे की खूबियों को निखारते हैं। हसद तो किसी भी रिश्ते को खा जाती है, और ये रिश्ता ये तो वैसे ही कागज का होता है। Where there's no trust, there's no marriage. सारा मेरी बात तो सुनो, तुम्हें कल खुला के पेपर आ जाएंगे। डाइवोर्स। इतना बड़ा फैसला अचानक इतनी जल्दी कैसे ले सकती हो तुम? एक लम्हे में ही तुमसे मोहब्बत की थी, और एक लम्हे में ही तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। सारा Thank you.
अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैं भेज रहा हूँ आपके पास। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मर्द को सरताज का दर्जा दिया जाता है, यानी सर पर सजा हुआ ताज। गुड मॉर्निंग। मगर ये इज्जत तो उसी मर्द का हक है ना, जो अपनी औरत को भरोसे की डोर से बांधता है, मोहब्बत के गजरों से सजाता है, उसे उसके रूप में कबूल करता है, ना कि अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ी बात, उसके मान को, उसके एतबार को कभी पाँव में नहीं रोनता। वलीद, काश कि तुम्हारे लिए यही सजा काफी है कि मैं तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी हूं, मगर तुम उसी जगह बैठे रह गए हो जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। देखो, मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। प्रॉब्लम सबको हो जाती है, रिजाइन मसले का हल नहीं है। जस्ट 3 मंथ्स विदाउट पे लीव, गो एंड टेक योर टाइम।